बिंदु, कॉलेज का वक्त हो रहा है, जल्दी आ जाओ। I'm gonna make your knees go. Oh, wow. Hey there, what? Make your knees go down. Hello. कहाँ जाना है आपको? Road number 12. Hi, I'm Sherlyn. Nice car. Road number 12. Oh, sorry. क्या आप हमेशा इसी वक्त आते हैं? या. Hey, you want live, baby? Hey, चल जा यहाँ से. I'm Vaishno. Nice dress. Looking hot. Oh, thank you. ये इतना ध्यान देके बोल रहा है, कमाल का है. छोड़ना नहीं चाहिए इसे. First I introduce myself. मेरे डैडी मुंबई में रहते हैं और मॉम शी इज इन दिल्ली. आई एम सिंगल हियर. Staying alone. Okay. Yeah. Music? Sure. If you don't mind, डिक्की में मेरा जैकेट है, आप लेकर आएंगी क्या? Oh sure. अरे, ए, कार तो रुको. Hello, stop. Oh shit. इसका नाम है वैष्णो. जितना गिन ना पाए उतनी जायदाद है और ऊपर से इंजीनियर टॉपर. इतने अच्छे लक्षण हैं इसके कि लड़कियां छोड़ेगी क्यों? इसके लिए सब लोग इसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन यह है कि वो उनको रुलाना चाहता है. इसके पीछे भी एक कारण है. एक लड़की ने एक लव लेटर लिखा था. वैष्णव, यू डिस्टर्बिंग मी. आई थिंक आई एम इन लव विथ यू. Dad. ये है वैष्णव के पापा, बिजनेसमैन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन हैदराबाद. बिना माँ के बच्चे को उन्होंने आजादी और प्यार दिया। कोई भी लड़की अगर तुझे पसंद करती है तो उससे प्यार नहीं करना, जो लड़की तुझे पसंद आए उसे प्यार करना। हमें ऐसी लड़की से प्यार करना चाहिए जो हमारी लाइफ में हमें खुशियां दे। सो टेक केयर। और उसके बाद कोई भी लड़की ने उसे साइड दी तो फ्लर्ट करने के लिए इसने ट्राई किया, तो किसी भी लड़की का लव लेटर देखा तो ये अपनी औकात दिखा देता है। 2 महीने के अंदर यूएस में स्टडी करने के लिए जा रहा है और इसके अंदर ईगो, सनकीपन ऐसे काफी लक्षण पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़का बिगड़ा हुआ है। जब देखो तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम लोगों को इसके अलावा और कोई काम नहीं है? अरे खेलो, पिक्चर देखो, गप्पे मारो, ये भी तो बोल सकते हो। नहीं बोल सकते? सिर्फ पढ़ाई की माला जपते हो। इस पढ़ाई को कौन दुनिया में लेके आया भगवान। इस लड़की का नाम है बिंदु। ये पढ़ाई से जुड़ी है, थोड़ी सी लूज है। दुनिया में इसका एक एम्बिशंस है, वो क्या है ना, पढ़ाई जिसने भी खोजी है उसको पकड़ के मारना है। और इसलिए उसने पुष्पा मूवी देखकर प्रोफेसर किलर की तरह चाकू तैयार करके फ्रिज में छुपाया है। ऑफ कोर्स जब प्यास लगती है तो चाकू को चूसकर उसे फ्रिज में रख देती है। और सिंपली इसके बारे में बोले तो इस दुनिया में बिना संबंध रखे इसके मन में जो आया वही करती है। आज के बाद कभी भी 90% 95% बोले ना तो तुम सबके बैंड बजा के रख दूंगी मैं। पढ़ाने आ जाते हैं तुम लोगों को, ऐसे नहीं बल्कि तुम सबको ना एक एक करके मारना चाहिए। अभी बताती हूँ। क्या बात है बिंदु, क्या हो गया? तुम खुद को पढ़ाने वाले मास्टर की धुलाई करने का सपना देख रही थी। पुअर बेबी, तुम्हारा ड्रीम मेरा रियल है। सॉरी सर, प्लीज सॉरी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतनी चिंतित हो रही है और तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है। तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करूं या तुम्हारी मम्मी का प्रेशर? ये हमारे ऊपर प्रेशर है। टेक दिस बुक्स, इंपॉर्टेंट सिलेबस। बिना पढ़े अगर तुमने उल्टी सीधी हरकत की कॉलेज से निकाल देंगे सर। नहीं, ऐसे निकालूंगा। माइंड और लैंग्वेज फर्स्ट। पहले तुम ये उल्टी सीधी हरकत करना बंद करो। ओके, गो। ये पागल है, इसको पढ़ना चाहिए। दान पूर्ण कर लो, धर्म पूर्ण कर लो, दान पूर्ण कर लो, धर्म पूर्ण कर लो। कौन सी ऑफर है? हाँ, buy 1 get 1 टाइप। थैंक्स आंटी। आंटी बुलाया गधा कहीं का। अरे बाप रे, आंटी बोले तो इतना गुस्सा करती है। Only change, धर्म कर लो। कैसे कैसे मार दिया उस प्रिंसिपल ने, उससे तो एक दिन जरूर बदला लूंगी मैं। कुछ दे दे माई, भगवान। पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो। इतनी चिड़ी हुई क्यों माँ? क्या बोला, क्या बोला? मैं तुझे माँ नजर आ रही हूँ। क्या करूँ, बुला बुला के मेरी आदत पड़ गई है बेबी। ए, मैं बेबी नहीं हूँ, टीनेज गर्ल हूँ यार। कुछ भी बुला तो बुरा मान जाती है। कुछ भी दे दो मुझे। ये ले लो। मैं इसका क्या करूँगा? दोनों 200 रुपए की है, बेच डालो। अरे मुझे काम बोल रही है। जो कुछ काम करना नहीं चाहता वो ये काम करता है। तू भीख मत दे चलेगा, लेकिन ये काम मत दे। ये हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये ले ले। हाँ, बाप रे, मुझे बुक्स दे रही थी। ठीक है, ये ले लो। ये भगवान, जिसने मेरा मुंह मीठा किया है उस स्वीट बेबी को कोई तकलीफ मत देना। महारानी जैसी दिखने वाली को राजकुमार मिल जाए। क्या हुआ, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? मेरे लव मैटर के बारे में मेरे डैडी को पता चल गया। मैं 25 साल का हो गया, फिर भी मेरे डैडी ने मुझे मारा। डैडी ने मारा? इसीलिए टीचर और पुलिस वाले के घर में कभी पैदा नहीं होना चाहिए। कितने भी बड़े हो जाओ, वो आपको बच्चा ही समझेंगे। अरे प्लीज, मेरे डैडी को किसी भी तरह मेरे प्यार के लिए कन्विंस कर यार, प्लीज। मी सॉरी यार, मेरे से नहीं होने वाला। प्लीज मेरे भाई, अरे कितना भी पढ़ ले लेकिन कोई ना कोई गलत फैसला लेते ही है। वैसे भी मेरे डैडी को तू देख, मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुझे गाली नहीं दी, that is true। प्लीज मामा, प्लीज। तू इतना फोर्स कर रहा है इसलिए एक बार बात कर लूंगा। जा ऐश कर। थैंक्स मामा। कुछ भी हो यार बस तू कन्विंस कर ले। अबे बदबू आ रही है नहा के आया कर। हट चल जा। Very very dangerous again the slower one very well taken by Jayawardene wonderful hitting enormous amounts of boundaries there and then Dhoni back as usual बिंदु जब देखो तब तुम्हारी कंप्लेंट आती है प्रिंसिपल से डांट खाती रहती हो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती जब देखो तब खाते रहती हो टीवी देखते रहती हो अरे अच्छे से पढ़ लो बेटा क्यों मेरी जान खाती हो मैं तुम्हें मेहनत करके पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हारे पढ़ाई ना करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये है लड़की की माँ नाम है शोभना लड़की को अच्छे से पढ़ाकर अच्छी जिंदगी देना चाहती है इसका एक सपना है इसे एक बात समझ में नहीं आती इसको सब कुछ आता है पर पढ़ाई नहीं आती है उसने अपने बाल नोच लिए कुछ दिन के बाद उसे एहसास हुआ अगर ऐसा करूँगी तो मैं गंजू हो जाऊंगी इसलिए वो करना भी बंद कर दिया। बुक निकालो ए, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखना जाओ पढ़ाई करो जाओ। मैंने जो बोला वो समझ में आ गया ना। मेरा प्लान मस्त है ना बहुत बड़ा शोमैन है वो कैसा रहेगा। आइडिया तो अच्छा है लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये डिपेंड करता है एक बार सोच के देख ले। डेंजर बहुत है। डेंजर से रिवेंज इम्पोर्टेंट है। ओ तो फिर ठीक है तुम बोल रहे हो इसलिए मैं अपने बेटे के लिए उस लड़की का प्यार एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन तब तक उस बेवकूफ को बोलो अच्छे से पढ़ाई करे। एटलीस्ट ये कोर्स खत्म हो तब तक बोल दो उस लड़की से मिलना मत प्लीज। आई ट्रस्ट यू वैष्णो। ओके अंकल आई टेक केयर। हे प्रिंसिपल सर आ गए हैं। शौक लगा 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 शौक लगा। Wow. Go, 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 go. Hey there, I'm gonna make your knees go down. Down, down, down. Hey there, I'm gonna make your knees go down. Down, down, down. Come on. Wow, क्या लगता है यार? ऐसा बॉयफ्रेंड मिले ना तो सारी जिंदगी ऐश करूंगी। छी, चलो चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? बहुत मजा आएगा। अपने बेटे को पढ़ाकर यूएस भेजना चाहता था और ये ऐसा निकला। चला दूं क्या? एक और लड़का है ना? अरे उसके सामने बेइज्जती होगी तो और मजा आएगा। 10 मिनट वेट करो वैष्णो मैं स्टाफ रूम में जाकर आता हूँ। ओके यू वेट हियर। प्लीज बिंदु मेरी प्यारी बेटी है ना एक घंटा और पढ़ लो बेटा उसके बाद ना आधे घंटे तक टीवी देखना, प्लीज मेरा सोना बेटा। ठीक है, बार बार रूम में आके डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, अच्छे से पढ़कर ये दूध पी के सो जाना बेटा। ठीक है ना? गलती मान लेगी ना तो अच्छा रहेगा। मुंह बंद कर, बार बार आके मेरे सामने बकवास मत किया कर। किसी को पता ना चले कि हम लोगों ने कुछ किया, तभी तो जाकर बात बनेगी ना। फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार, और रात को सपने में भी पुलिस मुझे मार रही थी। बहुत टेंशन में हूँ यार। मेरी मान तो ये फालतू सपने देखना बंद कर, तभी जाकर तेरा अच्छा होगा। आदत पड़ गई है यार। अरे ये कैसी आदत है, ना तो सिगरेट है और ना ही शराब, कुछ भी इमेजिन करती रहती है। जब मैं कहती थी कि ऐसा पागलपन मत कर तो तुझे डेंजर से ज्यादा रिवेंज इम्पोर्टेंट था। अब बोल रहे कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे अभी क्या करना है पहले ये तो बता। अब तू ही भुगत, फालतू की एडवाइस मत दे वरना बम लगा दूंगी। मैडम सर बुला रहे हैं। अब जा देख ले क्या होता है। शराफत से बता दो ये काम किसने किया है। जिसने भी किया वो खुद सामने आ जाए, नहीं तो मैं तुम सबको कॉलेज से निकाल दूंगा और मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। Now go to your classes. Go. बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? जानबूझ के नहीं किया सर। एक्चुअली प्रिंसिपल पढ़ो पढ़ो बोल के मेरी जान खा रहा था, मुझे मारा भी। गुस्से में उसका इंसल्ट करना चाहती थी, लेकिन बाय मिस्टेक ये सब आपके साथ हो गया। ओहो, जो पढ़ने को बोलेगा उसे बम से उड़ा दूंगी। सर ऐसे लोगों को मार भी दे तो प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल कौन है जानती हो? मेरे अंकल। प्रिंसिपल के ऑफिस में बम लगाना जानती हो कितना बड़ा क्राइम है? जानती हो वो एक्शन ले सकते हैं। सॉरी सर, ये सब गलती से हो गया। प्लीज किसी को बोलिएगा मत। प्लीज सर, अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ गया ना तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन किसी को मत बताना प्लीज सर। चाहे तो मैं आपके पाँव पकड़ लेती। मेरी इंसल्ट किया ना तूने, अब तू देखती जा। ओके, मैं जो बोलूँगा वो करोगी ना? मेरे घर में काम करना होगा, करोगी? हाँ, सॉरी सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे घर में काम करना होगा, जो मैं बोलूंगा वो सब कुछ करना होगा बिना सवाल पूछे। जहाँ जाने को बोलूंगा वहाँ तुम्हें जाना होगा, सारे काम करने होंगे। समझ में आया क्या? ए, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कामवाली नजर आती हूँ? यस, मुझे वैसी नजर आ रही हो। नहीं करोगी? नेवर, नहीं करूंगी मैं। जो करना है कर लो। ओके, यू कैन गो। तुमने जो कुछ भी बोला है वो फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर इसे प्रिंसिपल को दिखा दिया तो पता है वो क्या करेंगे? तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर से निकाल देंगे और पुलिस वाले तुम्हें टेररिस्ट समझ के अंदर कर देंगे। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें लॉकअप में गुजारनी होगी। सोचकर ही मेरे पसीने निकल रहे। अगर ऐसा हो गया तो ओ गॉड। सर आप वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। अगर कैदी का बिहेवियर ठीक हो तो सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। मैं भी इसी बात पे भरोसा करता हूँ। अगर तुम मेरी बातें मानती गई तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। गलती पे पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तुमने मेरी इंसल्ट की है, उसके बदले ये पनिशमेंट तो बहुत छोटी है। लगता है पागल है। मैं कहाँ फंस गई? यहाँ से घर जाओ और अच्छे से रेस्ट कर लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल से तुम्हें रेस्ट करने नहीं मिलेगा। हाँ। 2 महीने के लिए लड़की से काम करवाएगा? टू मच मामा, ये तो अन्याय है। ओ माय गॉड, वो जो बोलेगा तू वाकई में करेगी क्या? और कोई रास्ता नहीं? जस्ट फॉर थ्रिल यार। मैंने तो मना किया, लेकिन थ्रिल के चक्कर में तेरी जिंदगी थ्रिल हो गई। पागल कहीं की। डांट मत, अभी जो करना है वो बता। मुझे कुछ नहीं पता। मार डालूंगी। आ? आ? तुझे अरे, तो? अरे क्या करें? ए बिंदु, कल कॉलेज में एक हैंडसम लड़का आया था, क्या तुम्हें पता है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। क्या तुम मुझे उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? कोई अपने बॉयफ्रेंड से किसी को मिलवाएगा क्या? स्टूपिड। वो और इसका बॉयफ्रेंड। आई डोंट बिलीव दिस। सच में है क्या? देखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज के लिए बदनाम हूँ, क्योंकि मैं क्लासरूम में बोलता कम हूँ, क्लास ज्यादा लेता हूँ। इतने दिनों बाद ये बात समझ में आई। मैं अपनी क्लास में पूरे डिसिप्लिन से काम करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास आज सीरियसली लूंगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानसिक स्थिति है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो किडनैपर्स किडनैप करके अपने पैसे की डिमांड करते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं, और किडनैप होने वाले लोग किडनैपर के पास जितना वक्त गुजारते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं पता है। उनको उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे दोस्ती करना, उनको सेफ रखना चाहते हैं, और उसी फीलिंग्स और इमोशन को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, यू नो, लेकिन दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस चीज जो है वो हमारा मन है। हमारा मन कैसे बदलाव लाता है वो हमें समझना है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। हेलो, मैं वैष्णो बोल रहा हूँ। बोलिए सर। पहले एड्रेस नोट करो। वैष्णो रेसिडेंसी, फ्लैट नंबर 23, जुबली हिल्स। लिख लिया। दिस इज माय फ्लैट। 15 मिनट में आ जाओ। ये नहीं हो सकता। क्लास अभी चल रही हो तो क्लासरूम में बीच में हाथ पाँव नहीं चलाने चाहिए, समझ गए? हे भगवान, ये हमारी लाइफ का सवाल है। मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम चलती क्लास में हाथ क्यों उठा रही हो? समझ में नहीं आता? हाथ नीचे करो। अभी फोन आया था सर, मेरी नानी मर गई है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी नानी अभी तक जिंदा है? तुम्हारी वजह से उनको चले जाना चाहिए था। एक्चुअली मेरी नानी गांव में रहती है सर। ओहो, इसीलिए वो बच गई क्या? वरना आज तक मेरी सोच कभी गलत नहीं होती। तुम्हारी नानी की डेथ के लिए सॉरी, यू कैन गो। थैंक यू सर। ओके, ये बुढ़े लोग आखिर इतना जिंदा ही क्यों रहते हैं? मेरी पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। क्या देख रही थी तुम? इतनी देर हो गई, आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं देख रही थी। दिखाई नहीं दिया? पता है, आपका डोर कुछ स्पेशल है इसीलिए देख रही थी। ठीक है, क्यों इतना अर्जेंट बुलाया है मुझे? कम इन। पूरा फ्लैट देख लो। फ्लैट बहुत अच्छा है, लेकिन गंदा है। यस, यू आर राइट। मैं 1 घंटे में आता हूँ। मुझे क्या करना है? काम पर लग जाओ। हे भगवान, बहुत भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाना दो। इतनी भूख लगी है क्या? आज बहुत काम किया है माँ। तुमने पढ़ाई की? हाँ हाँ हाँ। तुम इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बिंदु। ये सब कुछ खाकर 1 घंटा पढ़ाई करके फिर तुम सो जाना। ठीक है माँ। गुड। कॉलेज जाओ तो लेक्चरर, घर में आओ तो माँ होती है। और एक नया आ गया है मेरी जिंदगी में। ये बता, उस जेनिफर को तूने उसका अपना बॉयफ्रेंड बताया क्या? हाँ, क्यों? उसने पूरे कॉलेज में हंगामा करके रखा है, कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। काम वाली का काम करते और इतना बड़ा बिल्डअप दिया। सुन मेरी बात, वो मेरे पास आकर ओवर एक्टिंग करने लगी और बोल रही थी कि उसे इंट्रोड्यूस करवाओ। अरे क्या बिंदु, वो हैंडसम तेरा बॉयफ्रेंड है? जेनी से बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यकीन ना हो तो भाड़ में जाओ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हमने कोई ठेका नहीं लिया। नहीं मानोगी? ये देखो, देखो। आप किस बात की दे रही है? गो एंजॉय। ये गर्ल क्या बोलूं, लगती है बिल्ली के जैसी। ये राहुकाल के जैसे मेरे पीछे पड़ गई। ये जीवन था जो स्वर्ग वो जैसे नरक हो गया। हे गॉड, कुछ ऐसा जादू कर दो ना, ये नॉन स्टॉप भोंकू तुम मुझसे दूर करो ना। ये जाए तो जाए, भले गड़बड़ हो जाए। ओ ये कौन मिल गया है, दिमाग हिल गया है। कोई इसको समझाए, भेजा ना मेरा खाए। बेबी ओ ओ ओ ओ ओ बेबी 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 ओ ओ ओ ओ। क्या पता बदले का है ये रिश्ता, कैसा जीतेगा अब कौन, ये गेम है दिमागों वाला। ये कम अकल को अब कोई समझाए कैसे। ओ ये है जैसे कोई कॉमेडी चैनल। अब क्या बताऊँ, आई है कितनी प्रॉब्लम्स लेकर। इस प्यार की कहानी है लड़ाई वाली। ओ तरकीब ये लगाए कैसे मुझे हराए, पर मेरे आगे इसका ये दिमाग चल ना पाए। तरकीब ये लगाए कैसे मुझे हराए, मुझसे ये ना जीतेगी कोई इसको समझाए। बेबी ओ ओ ओ ओ बेबी 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 ओ ओ ओ ओ। 15 मिनट के अंदर मेरे फ्लैट में आ जाओ। इम्पॉसिबल, मैं ट्रेन में हूँ, जर्नी में 30 मिनट लगेंगे। क्यों, ट्रेन से फास्ट नहीं आ सकती क्या? हेलो, ज्यादा मिनट में आ गई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम वेट करो। भगवान। इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। मेरा फोन काट रही है। क्या ये सब? फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मुझे तुम पर एक डाउट है। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम करवा रहे हो। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। कोई खूबसूरत लड़की से ऐसे काम करवाता है क्या? मैं इनोसेंट नजर आ रही हूँ क्या? तुम इनोसेंट नहीं हो, बॉम्ब तुमने लगाया था। जोर से मत चिल्लाओ, थोड़ी शरारत क्या कर दी? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे प्राइम मिनिस्टर के नीचे बॉम्ब लगा दिया। सब सुन लेंगे, चलो चलती हूँ। हाय वैष्णव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अंकल। बैठो। पूरे शहर वाले इसी के अंकल है। कल ज्योति का एंगेजमेंट का पार्टी है, तू आ रहा है ना? तुम्हारे पापा को फोन किया था, वो टूर पर गए हैं ऐसा बोले। क्लिनिक पर बुलाकर तुम्हें इनवाइट किया। ज्योति को ये मत बताना, नहीं तो चिल्लाने लगेगी। अपनी राम कहानी बंद करो और ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब चेक करके ही बताएंगे। पहले तुम लोग ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? अंकल, ये लड़की थोड़ी सी पागलों की तरह बिहेव कर रही है, आप एक बार चेक कीजिए ना इसे। यू मुझे इसलिए लेके आए हो? मैं कोई पागल हूँ क्या? बेटा, ये बात मुझे बोलना चाहिए, ये पेशेंट को नहीं बोलना चाहिए। कौन है पेशेंट? मैं एकदम हट्टी कट्टी बिंदु हूँ। I'm just 19. पागल क्यों हो जाऊंगी? पागल होने की कोई एज नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है। आइंदा कभी पागल होने की बात की ना तो तू डॉक्टर है ये मैं भूल जाऊंगी और इससे मारूंगी, तब तुझे समझ में आएगा कि पागल क्या होता है। कूल कूल बेटा, क्यों गुस्सा कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो चेक करने के बाद मैं बोल दूंगा। बिना मतलब का क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? देखो बेटा, मैं कुछ सवालों का जवाब पूछूंगा, प्लीज सीधा सीधा बता दो। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी को मारना, पीटना, किसी का खून कर देना, ऐसे वायलेंस थॉट आते हैं क्या? ओ मेंटल डॉक्टर, अगर ऐसे मेंटल सवाल किया ना तो सच में आ जाएगा। देख, तू जैसा सोच रहा है ना, लड़की वैसी पागल नहीं है, दिमाग सही रखकर अपनी बात कह रही है। कुछ लोग बचपन से ही सनकी पैदा होते हैं, सो बस ये लड़की थोड़ी सनकी है, बोर्न विद सनकी। मुझे सनकी बोलता है, तेरी तो आज तुझे मार डालूंगी। ए, रुक जाओ, क्या कर रही हो? अंकल, हाँ, आपकी फीस? बेटा, ये यहाँ रहेगी तो मेरा फ्यूज उड़ जाएगा, प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो यहाँ से। लास्ट नाइट मैंने एक बहुत अच्छा गाना कंपोज किया, सुनोगे? चुप कर, कान फाड़ दिए, एकदम बेसुरा है। हाय गाइस। हे हाय। 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 Would you like to have something? नहीं यार, it's okay. I'm very busy. Actually, मैं अगर तुम्हें फोन पे कहती कि I'm very busy तो तुम नाराज हो जाते। आज रात 8:30 बजे मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो जरूर आना। वार्निंग देती हूँ, अगर तुम नहीं आए ना तो गला घोट दूंगी। तुम तो वार्निंग दे रही हो। वैसे ज्योति, ऐसा क्या हो गया कि इतनी जल्दी शादी कर रही हो? वैसे कोई खास वजह तो नहीं है, शादी करना जरूरी है इसलिए कर रही हूँ। क्यों यार, जेलसी फील कर रहे हो? जॉली, ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगा। ऑल द बेस्ट फॉर वेडिंग। थैंक्स। शादी की तैयारी में इतना सारा काम करना होगा, पता होता तो शादी ही नहीं करती मैं। एनीवेज, बाय बाय बाय। शाम को साथ में चलेंगे। अरे लेकिन शाम को प्रैक्टिस है। कोई बात नहीं, तुझे कंपनी देने के लिए तेरी मेड है ना, उसे ही लेकर जा। फालतू एडवाइस है, वैसे भी काम वाली को लेकर पार्टी में नहीं जाते। लड़कियों को हमेशा सताया नहीं करते, कभी कभी उन्हें खुशियां भी देनी चाहिए। अगर लड़की खूबसूरत हो तो देखने का भी दिल करता है। मुंह बंद कर, बिल भर देना। कितना पसंद करके मम्मी से लड़ाई करके मोबाइल खरीदा था, लेकिन अब इसे देख के डर लगता है कब वो फोन करेगा। भगवान, ये क्या मुसीबत है। अरे सॉरी भगवान जी, इरिटेशन में ये सब बोल दिया। ये सब क्या हो गया है? अरे इसी का फोन है। क्या कर रही हो तुम? मैं पढ़ रही हूँ सर। गुड। शाम को एक पार्टी है, तुम रेडी रहना। क्यों सर? पार्टी में मुझसे प्लेट साफ करवाएंगे, सही कहा ना? वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम गेस्ट बनकर जाओगी। Am I guest? Really? अरे चिल्लाओ मत, ऊट पटांग ड्रेस मत पहनना, तुम इससे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। ओके ओके ओके। थू? ड्रेस कैसा है? अच्छा है ना? बकवास है। किसने बोला ये ड्रेस पहनने के लिए? किसी ने नहीं बोला सर, मुझे लगा कि ये अच्छा लगेगा। एक बात सुन लो, जब तक पार्टी खत्म नहीं होती अपना मुंह बंद रखना। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। आपकी मिसेस भी अच्छी हैं। जाइए आशीर्वाद दीजिए। बेवकूफ कहीं का। गुड इवनिंग डॉक्टर। नमस्ते। मैं अपने आप को जीनियस हूँ, ग्रेट हूँ, ये सब समझता हूँ, और ये देखकर मेरे फ्रेंड्स अजीब अजीब बातें करते हैं। डॉक्टर मुझे एक छोटा सा डाउट है, क्या मैं सच में ही जीनियस हूँ या मेरे फ्रेंड्स मुझसे जलस रखते हैं? कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो गया हूँ, अजीब हालत हो गई है डॉक्टर। दरअसल प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? आपका प्रॉब्लम कौन से रेंज में है ये मुझे समझ में आ गया है। ये जो टी शर्ट में लिखा है वो निकाल कर आई एम स्टूपिड लिखा का शर्ट पहन लीजिए, ठीक है? ऐसा कुछ दिन करके फिर मेरे क्लिनिक आइए। सुपर डॉक्टर, सुपर। मेरी फीस दे दोगे तो मेरे लिए भी सुपर होगा। हेलो अंकल। हाय। थैंक यू। Congratulations. Thanks yaar. This is Vamshi. Hey hi. Hi. She is Bindhu. Hi. Congratulations. Hey, कौन है ये? Just a friend. Okay. Enjoy the evening. Thanks. बच्चे अच्छे हैं ना? हाँ बढ़िया। Wow. Nice dress. Great. You are looking gorgeous. Thank you. My pleasure. Welcome. मम्मी आओ ना, डांस करते हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है? जाके डांस करो, जाओ ना। Hey, come on, let's dance. हमारा पोजीशन क्या है? ऐसे डांस करेंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगा। म्यूजिक सुन के मुझे भी डांस करने का मन कर रहा है। तो जाकर डांस करो ना। वो मुझे डांस नहीं आता ना, नाचूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। हाँ, ये शाम खुशी की आई है, हर दिल में बजे शहनाई है। ये शाम खुशी की आई है, हर दिल में बजे शहनाई है। इस दिल में क्या है मैं कैसे बतलाऊं? दिन ऐसा आज ये आया है, हर तरफ उजाला छाया है। दिल चाहे मेरा आज मैं नाचूं गाऊं। बस गया कोई आँखों में, कर गया बात बातों में। दिल बेकरार हुआ पहली बार पर उसको नहीं है पता। दिल मेरा हंस हंस के पुकारे, छोटू मोटू आरे आरे। झूमेंगे नाचेंगे आजा आजा, मस्ती में गाएंगे आजा आजा। दिल मेरा हंस हंस के पुकारे, छोटू मोटू आरे आरे। झूमेंगे नाचेंगे आजा आजा, मस्ती में गाएंगे आजा आजा। तुम भी तो कुछ सोचो, सुन जरा सुन यारा, लगे मुझको प्यारा। मैंने तो बोल दिया तुम भी तो कुछ बोलो। ये उम्र है नजर मिलाने की, जाने जाना चाहत में सब कुछ भुलाने की। जाने जाना दुनिया छोड़ो मन की, सुन लो ये क्या कहता है। दिल मेरा हंस हंस के पुकारे, छोटू मोटू आरे आरे। झूमेंगे नाचेंगे आजा आजा, मस्ती में गाएंगे आजा आजा। हे 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 हे। आ आ आ आ हे। मन में जो कुछ है आज कह जाओ जी, गुजरना मुझ पर प्यार जताओ जी। धड़कता है ये दिल जो सीने में, धड़क कर क्या कहता है दिल बतलाओ जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ मीठी मीठी यादें, जब दिल धड़काए ढूंढे किसी को निगाहें, दुनिया छोड़ो दिल की सुन लो क्या कहता है दिल मेरा। हंस हंस के पुकारे छोटू मोटू आ रे, झूमेंगे नाचेंगे आजा आजा, मस्ती में गाएंगे आजा आजा। दिल मेरा हंस हंस के पुकारे छोटू मोटू आ रे, झूमेंगे नाचेंगे आजा आजा, मस्ती में गाएंगे आजा आजा। भाई इस लड़की को तो मैं सन की समझता था, इसने तो पार्टी को एंटरटेनमेंट बना दिया। एक डॉक्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ, इस लड़की से जो भी शादी करेगा बहुत लकी होगा और लाइफ लॉन्ग एकदम हैप्पी रहेगा। हैप्पी मूड में मैं तो खाना खाना ही भूल गई, बहुत भूख लगी है। पागलों की तरह तुम नाच रही थी, खाना तो भूलना ही था, थोड़ा बर्दाश्त करो। प्लीज सर किसी रेस्टोरेंट में लेके चलिए ना, मम्मी को बोला है कि पार्टी जा रही हूँ, डिनर करके आऊंगी, बखान करके आई, नहीं खा कर गई तो डांट खाऊंगी। क्या कमर है यार, जी कर रहा उसे ही खा जुआ। गाल तो गुलाब जामुन जैसे है, काट खाने का मन करता है। अरे इसको तो मुझे सूप जैसा पीने का दिल कर रहा है। देखिए ना सर कितने वल्गर कमेंट्स कर रहे हैं ये। चुपचाप उनको इग्नोर करो और खाना खाओ। ठीक है सर, मैं उसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती तो क्या पैसे चुप रहते? चुप नहीं रहता, मुंह बंद करो। मुंह बंद करने के अलावा करूँगी भी क्या, लड़की हूँ ना। अगर मुझे कराटे आते ना तो सूप वाले का खून में सॉस की तरह पी जाती, और जो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहा है ना उसकी आंखें निकाल के खा जाती मैं। ओ गॉड, पिछले जन्म में ये तो भूतनी रही होगी। ये बता उसको देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते क्या हम लोग? क्यों नहीं कर सकते, बाजू वाला बैठा उसे उठा देते हैं, तो इसको रास्ते से हटा कर करते हैं। अरे वो क्या करेगा, वो क्लास लड़का है और हम लोग मास हैं। अगर उसने मुकाबला की तो अपने बॉडी से उसका कुर्मा बना दूंगा। भैया इससे अगर पीटेंगे तो चोट लगेगी? जोर से लगेगी सर, वो तो मर ही जाएगा। ओह इतना डेंजर है? हाँ सर। तो फिर रहने दो। एक्सक्यूज मी, 5 गधों को एक साथ अगर एक सिंपल आदमी मारेगा तो क्या तुम्हारे पास बचने का ऑप्शन है? कराटे और बॉक्सिंग वाला मार सकता है। हत्यारे हैं तो भी मार सकते हैं। उसके बिना नहीं मार सकता हूँ क्या? मुश्किल है सर। मुझे पता है कैसे मारना है, मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक कि सामने वाला पूरी तरह बेहोश ना हो जाए। तुम्हारे सामने मार खाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, समझ में नहीं आया क्या? अभी दिखाता हूं, जस्ट वॉच। ए चलो उठ, इसका खून सूप की तरह तुम्हें पीना था ना, अभी पियोगी? ए, किसी को मारने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं होती, बस दम होना चाहिए। अगर आदमी के अंदर दम है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आ गया ना? दोबारा ऐसा मत करना। ओ! निकल। खाना अच्छा था ना? वेरी गुड। बाय, गुड नाइट। कैसे मुंह बनाता है? भाई तो बोल ही सकता है ना, मुंह बनाता है। बाप ने बोला होगा कि सामने वाले को जवाब देंगे तो जायदाद घट जाएगी। ओल्ड एज फेलो। यस 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 यस। बिंदु, नाश्ता कर लो जल्दी, कॉलेज का टाइम हो रहा है। जल्दी करो बेटी। बार बार फोन की तरफ क्यों देख रही हो? जल्दी खा लो। हेलो बिंदु, तुम घर पर आ गई क्या? मम्मी तुम, बाथरूम में हूँ, फोन रखो। बिंदु, तूने बुक्स मांगे थे ना, ले आई। मैडम कहाँ खोई हैं? ये फोन क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं करूँ तो? अभी फोन क्यों किया? मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। चलो रखो। फोन करने के लिए बोला था उसने, फोन क्यों नहीं किया? मैं करूँ क्या? डांट देगा मुझे, रहने दो। पागल कहीं की, तुझे क्या हो गया है? सुबह से देख रही हूँ मैं, पहले जब फोन आता था तो तू डर जाती थी, और अभी क्या हो गया? इतनी शिद्दत से इंतजार करती है? तू क्या पागल हो गई है? ओ मेंटल, तुझे देखकर कभी मुस्कुराया क्या वो? तुझे प्यार से कभी देखा क्या उसने? कभी प्यार से बात की क्या उसने? नहीं ना, तुझे काम वाले की तरह देखता है वो। तो आखिर उसके लिए क्यों इतना डिस्टर्ब हो रही है? वो जिस तरह से ट्रीट करता है ना तुझे, तो उस पे गुस्सा आना चाहिए। सडनली ये फीलिंग कहाँ से आ गई? और किडनैप होने वाले लोग किडनैपर के पास जितना वक्त गुजारते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, पता है? उनको उनके ऊपर दया दिखाना, उनसे दोस्ती करना, उनको सेफ रखना चाहते हैं, और उसी फीलिंग्स और इमोशन को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं? ये नहीं हो सकता। ये कहीं प्यार तो नहीं है? कहते हैं प्यार कब कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? प्यार ही होगा शायद। ये कैसा पागलपन है यार? I hate love, dirty love, stupid love, crazy love, foolish love. हेलो, सो रही हो क्या? नहीं सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। I like your dedication। Come to Hotel Regenta, 12 o'clock, sharp, okay? Okay, sir. Yeah! या, ये है ना बिंदु, रोज मिलने वाला है ना, रोज बात करने वाला है, तो फिर ये नया एक्साइटमेंट क्या है? भगवान, ये फीलिंग कैसे क्रिएट कर दिया? You're great! I love you! Mwah! Have it. No sir, I'm fine. मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। मेरा ऑर्डर है, खाना शुरू करो। एक्चुअली मैं तुम्हें ट्रीट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई ना, उसके 2 महीने बाद मुझे यूएस जाना था और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया। तुम पर बहुत गुस्सा किया। मैंने सोचा कि इन सब से मेरा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा फन भी हो जाएगा। सच कहूं तो ये 2 महीने कैसे गुजरे समझ में नहीं आया और नेक्स्ट वीक मैं यूएस जाने वाला हूं। अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो आई एम वेरी सॉरी। वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अब बिल्कुल फ्री हो। मैं यूएस जा रहा हूं इसलिए भगवान से प्रे करना कि सब अच्छा हो जाए। तुम यहां पर हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हो। नाउ यू आर फ्री बर्ड। हैप्पी? या। एनीवे, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। कम, आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। प्यार के किस मोड़ पर ये दिल अकेला रह गया, दिल जिसे चाहा न जाने कब कहाँ वो खो गया। बस गया मुझ में कहीं बनके दो परछाइयाँ, तो नहीं तो काटते मुझको मेरी तन्हाइयाँ। जाने या ना जाने तू मुझको तेरी ही याद है। तू नहीं मेरे साथ फिर भी तू ही मेरे साथ है। तू भले बदले मगर ये प्यार ना बदला मेरा। मैं रहूँ या ना रहूँ ये दिल हमेशा है तेरा। धितना ना गर सनी साप साधारे, Anyway, I miss you. Dad, आप रेगुलर यूएस बिजनेस के काम के लिए तो आते ही रहते हो, तो मुझसे जरूर मिलना। Of course, but still I miss you. Anyway, my son, अपना ख्याल रखना। Take care. Thank you, Dad. मैं कहूँ या ना कहूँ पर दिल को ये एहसास है, मैं कहीं भी जाऊँ पर तू हर घड़ी मेरे साथ है। क्या कहूँ कैसे कहूँ आखिर ये क्या एहसास है। जा रहा हूँ दूर तुमसे दिल तुम्हारे पास है। एक पल को भी तुम्हें भूला नहीं ऐसा हुआ, क्या बताऊं जहाँ मेरी बिन तेरे कैसे चला। वो तेरी बातें वो तेरा मुस्कुराना साथ है, तू नहीं मेरे साथ फिर भी तू ही मेरे साथ है। दिन तनाना गरे सानी सा Last call for passengers, please लड़की के लिए यूएस की ट्रिप पोस्टपोन कर दी। डैड, आपने कहा था ना प्यार करना गलत बात नहीं है, बस सही इंसान से हमें प्यार होना चाहिए। इतने दिन में बिंदु के साथ रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला डैड। बिंदु साथ में होती है तो लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। आई नो तुमने सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। एनीवे, उस लड़की के साथ तुमने जो बिहेव किया है। सॉरी डैड। इट्स ओके। उस लड़की को इतना टीज करने के बाद वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेगी? पता नहीं डैड, बिंदु के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है वो पता लगाना है मुझे, और उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए डैड। ओके, बट डोंट टेक टू लॉन्ग टाइम। तुम्हारा करियर भी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। आपका प्रॉब्लम क्या है? देखने में ऊपर से मैं एकदम फिट लगता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे चक्कर आने लगता है और मैं गिरने लगता हूँ। लगता है मैं मर जाऊंगा। कैसी बेकार जिंदगी हो गई है मेरी। अब मैं क्या बताऊँ, उसी डर से मैं आधा मर चुका हूँ। आप अच्छा ट्रीटमेंट दे के मुझे बढ़िया कर दीजिए डॉक्टर साहब। यू डोंट वरी। आप चाय पीते है न? अरे इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब। मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा हूँ। आदत है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। आदत तो है, पर क्या बोलूँ, रोज 10-15 बार चाय और 10-5 बार कॉफी पी लेता हूँ। स्मोकिंग करते हो क्या? स्मोकिंग बोले तो पीता हूँ 10-15 पैकेट विदाउट फिल्टर। अब पी लेता हूँ डॉक्टर साहब, पेट के लिए अच्छा रहता है ना। मुझे पता नहीं। शराब भी पीते हो क्या? देखो तुम झूठ मत बोलना। पागल हो गए हो आप, पीने की बात कर रहे हो आप। अरे कोई गधा होगा जो दारू नहीं पीता होगा। देखो गाली मत दो। सॉरी, मुझे माफ करना। बिना मतलब आपको गधा बोल दिया ना। अब रिपीट मत करो, बोलो। रोज रात को एक फुल बोतल पी जाता हूँ, और मूड अच्छा हो तो दिन भर में बियर पे बियर भी पीता हूँ। अब प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाने का तुम्हारा कोई आदत वदत है क्या? अरे बाप रे, इसके फेस पर शर्म भी नहीं है। मर जाऊंगा मैं तो। कोई बात नहीं, आगे बोलिए। बेसिकली मैं कुंवारा हूँ, इसलिए डॉक्टर से एकदम ओपन बात करना चाहिए, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए मैं ओपन होता जा रहा हूँ। वीक में 3-4 बार मैं एंजॉय भी करता हूँ। डेली करने को दिल करता है, फाइनेंस को कॉपरेट नहीं करता। थोड़ी महंगी चीज है ना ये। इतनी नीच हरकतें हैं तुम्हारी, तुम जी रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सबर करना चाहिए। आप अपने टैलेंट से किसी भी तरह ट्रीटमेंट से मुझे ठीक कर दीजिए सर। देखो उल्टी सीधी सलाह मत दो मुझे, अपना हाथ दिखाओ। बहुत मुश्किल है, 2-3 महीने ज्यादा नहीं जियोगे। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, मुझे जीना है तो क्या करना पड़ेगा? जो बोलेंगे मैं करूँगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा जीना है डॉक्टर साहब प्लीज। अगर जीना चाहते हो तो बैड हैबिट्स को हटा दो। अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या ज्यादा दिन तक जीऊंगा डॉक्टर? गारंटी नहीं है। इतनी ज्यादा आदतें अगर एक साथ छोड़ देंगे तो लाइफ क्या रह जाएगी? फिर बोर हो जाएगी जिंदगी, अपने आप में बोझ लगने लगेगी, दिन बीतना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिन जी लिया ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्या डॉक्टर? जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है उसको वही मिलता है। आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरी जो कुछ आदतें हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में यही है। शिट! लड़की को टीज करते करते आखिर प्यार में बढ़ ही गया। सब लड़कियां अपने पति को वश में करना चाहती हैं और तू है कि उसे ही अपनी पत्नी बना रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तेरा, इंटेलिजेंट फेलो। चक्कर बॉल लेकर आ। व्हाट नेक्स्ट? पहले बिंदु से मिलना होगा, पता लगाना होगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। I love you. ये रेंज में भली ना सही, सडनली वो मेरे सामने आकर मेरी यूएस ट्रिप कैंसिल हो गई। अगर आकर मुझसे ये बोलेगा तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। हाय हाय हाय। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? तुम यहाँ पर? एक्चुअली मेरी यूएस ट्रिप पोस्टपोन हो गई, अब मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगा। तुम मुझसे अभी गुस्सा हो क्या? फॉरगेट द पास्ट फ्रेंड्स। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सी यू लेटर, बाय। भगवान, आप नहीं हो ऐसा किसका देने बोला है? आप हो और ये तो जादू हो गया। मैंने सोचा था और वो मेरे सामने आकर बोलता है कि यूएस ट्रिप कैंसिल हो गया। आपने जो मौका दिया है ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ूंगी नहीं और इस शॉर्ट टाइम में मैं उसे पटा लूंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। पागल हो गई है? मैं हमेशा से ये सोचा करती थी कि तू प्यार किए बिना कैसे रहती है, अब तो तुझे प्यार हो ही गया है। मुझे नहीं पता, मुझे बस हो गया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसे लड़के से प्यार करना बहुत मुश्किल है। अब देखना आगे कितनी मुश्किलें पैदा होंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे मुझे क्या करना है। अब समझने को क्या रहा, डायरेक्ट जाकर उसे आई लव यू बोल देना। पागल हो गई है क्या? वो चिल्लाया तो मुझसे नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। 2 महीने मेरे पास रह के भी मुझे लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया उसने, और ऐसे में डायरेक्ट उसे आई लव यू बोलूंगी? इम्पॉसिबल। तो फिर तो क्या करेगी? क्या करूंगी? पहले पता लगाऊंगी कि प्यार मोहब्बत के बारे में क्या सोचता है, फिर जाके बताऊंगी। गुड थिंकिंग। एक काम करते हैं, एक लड़की को भेजकर लव प्रपोज करवाते हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है ये देखते हैं, उसके बाद तो आगे बढ़ सकती है। कैसा आइडिया है? सुपर आइडिया। वो लड़की कौन है? जेनिफर। वो वैष्णव के लिए पागल है, फटाक से तैयार हो जाएगी। हाँ, वैष्णव है तो ओके, आई एम रेडी। बट 1 कंडीशन, हमने जो कहा वही करना, नो एक्स्ट्रा एक्टिंग। जब मैं ड्रॉप बोलूंगी तो ड्रॉप कर देना, और तुम सिर्फ मुझे हेल्प कर रही हो, बस इतना समझना। तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। नोट दिस पॉइंट। ओके बाबा, ओके। तुमने परमिशन दी, बस यही काफी है। पहले मुझे बताओ तो सही करना क्या है। बिंदु मुझे देखकर बहुत खुश हो गई यार। तुझे कौन लड़की पसंद नहीं करेगी? मैं भी, बिंदु भी तुझे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे प्यार करती होगी। अरे यार, लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, ऊपर से सीधी दिखती हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही रहता है। पता कैसे करें? अगर कोई लड़की अपने प्यार के साथ कोई और लड़की देख ले, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत जेलस फील होती है। कितना भी बोलो लेकिन ये सच है। बातें मत बना, करना क्या है वो बोल। एक काम कर, किसी लड़की को ले जाकर ये मेरी गर्लफ्रेंड है बोलकर बिंदु से मिला, वो तुझे पसंद करती है या नहीं करती है अच्छी तरह से पता चल जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, वर्कआउट होगा ना? पीछे एक फुलझड़ी बैठी हुई है, लगता अभी खा जाएगी मुझे। जरा पीछे मुड़ के देख तो। डोंट गेट इरिटेटेड मैन, जल्दबाजी करके उसको कुछ मत बोल। क्या ये बिंदु के सामने तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है? इसे स्मूथली हैंडल कर। सी यू देन। जेनिफर। वैष्णव। कॉफी? या, श्योर। वेटर, 1 कैपेचिनो एंड 1 आइसक्रीम बटरस्कॉच फॉर मी। ओके मैम, थैंक यू। यू नो वैष्णव, जब लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो कॉफी क्यों पीते हैं? खूबसूरत लड़की सामने होने के बाद सर पर जो प्रेशर बनता है, उसी प्रेशर को कम करने के लिए कॉफी पीते हैं। लड़कों के सामने लड़कियां हमेशा आइसक्रीम ही क्यों खाती हैं? उन्हें लगता है कि बकरा मिल गया, वो उसे बॉयफ्रेंड बनाती हैं और पूरे मजे के साथ ऐश करती हैं। नो, जस्ट किडिंग। वैष्णव, तुम्हारे सामने बैठी है एक खूबसूरत लड़की, अगर आई लव यू बोले तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? यही सोचूंगा कि मैंने इतनी देर तक टाइम क्यों वेस्ट किया। वाओ, आई लव यू। शैल वी गो आउट? या, श्योर। ओके। गॉड, वो वैष्णव से मिली होगी क्या? बात की होगी क्या? आखिर में क्या हुआ होगा? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो तेरे साथ यहीं पर हूँ ना। जेनिफर को फोन लगा के उसी से पूछ लेना। अब इसने क्यों फोन किया? मूड की बैंड बजा दी। नो प्रॉब्लम, टेक द कॉल। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कॉल। फ्रेंड्स बिना मतलब के फोन करके हमेशा दिमाग खराब कर देते हैं और कुछ नहीं। पर ऐसा क्यों? दिमाग खराब करने वालों के पास और काम ही क्या होता है? गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, मूवीज, एवरीथिंग। ये एक पागलपन है, इसलिए मैं बस फोन नहीं उठाती। वो फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है वैष्णव के साथ हो। क्या मतलब है? जनरल बात कर सकती है ना। क्या हुआ होगा पता नहीं, पहले ही बहुत गुस्सा है, हो सकता है कि उसका कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? अरे उसे वापस तो आने दे, आके बताएगी ना। कूल बिंदु। कूल। बिंदु? या बिंदु, शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। जरूर आऊंगी मैं। सी यू इन द पार्टी, बाय। शाम को वैष्णव की बर्थडे पार्टी है, इनवाइट किया है, तू चलेगी क्या? चलूंगी ना। उसे एक अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, सजेस्ट करना। ऐसा कर, तू उसे एक रिंग गिफ्ट कर दे, क्योंकि रिंग अगर उंगली में रहेगी ना तो हमेशा वो याद करेगा तुझे, और इनडायरेक्टली तू उसे पसंद करती है पता चल जाएगा। आई लाइक इट। पैसे कितने लगेंगे? अच्छा रिंग लोगी तो मिनिमम 20,000 लगेगा। 20,000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? गिफ्ट देना है तो अरेंज तो करना होगा ना। मेरी तरफ मत देख, सॉरी, मैं एडवाइस तो दे सकती हूँ लेकिन उधार नहीं दे सकती। तू श्रेया से मांग के देखना, शायद वो तुझे उधार दे देगी। वो देगी क्या? फ्रेंड्स को घर का प्रॉब्लम बताओगी तो उधार नहीं देगी, लव का बताओगी तो मिल जाएगा। 20,000? इट्स अ बिग अमाउंट, यू नो। या बट लव प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर वापस कब करोगी? वैष्णव से शादी होते ही दे दूंगी। शादी होते ही दे देना। ऐसे बोल रही जैसे नेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही। आमतौर पर लड़के लड़की के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है ये जानने के लिए तुम उधार लेके गिफ्ट खरीद रही हो। तुम तो पूरा ट्रेंड ही चेंज कर रही हो। वो सब मुझे नहीं पता, जिसे पसंद करते हैं उसे गिफ्ट देना अच्छा लगता है। हाय हाय, शी इज माय गर्लफ्रेंड। हेलो, हाय। वैष्णो इज देयर। ओके, हाय, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जेनी, शी जेनिफर, माय गर्लफ्रेंड। हेलो, हाय। कम ऑन मैन, लेट्स कट द केक। या, लेट्स गो, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, वेयर इज वॉशरूम? देखा उस जेनिफर को, कितना बड़ा धोखा दिया उसने। ऐसे नाटक करती है जैसे जानते ही नहीं। ये क्या हो गया है? ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। सब मेरी गलती है। अगर पहले मालूम होता कि इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगा तो आई लव यू बोल देती। मैंने इसके बारे में क्या क्या सोचा था। अरे कूल कूल बिंदु, मेरी जल रही हो तो कूल कूल बोल रही है। ये तेरा ही आइडिया था, अब मैं क्या करूँ? पार्टी में आई है ना तो थोड़ा कंट्रोल कर। वैष्णव तुझे अच्छा फ्रेंड समझता है, इम्प्रेशन बना के रख। वैसे देखा जाए तो जेनिफर को उसने एक्सेप्ट किया है। अगर जेलसी फील करके बाहर जाएगी ना तो चीप एटीट्यूड होगा। पार्टी होने के बाद जेनिफर से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। वन मोर थिंग, पार्टी के दौरान दोनों कितने भी क्लोज क्यों ना आए तू कंट्रोल करना, टेंशन फ्री रहना। ओके? ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। एक आइडिया है, अगर तू उससे कंट्रोल नहीं होता ना तो सीधा रेस्ट रूम में जाके रिलैक्स करना, ठीक है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कंट्रोल बिंदु, कंट्रोल। मामा, तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट। ये बेसुरा गाना बंद कर और कोई अच्छा सा गाना गा यार। अगर ऐसा है तो तू गा। यस, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें गाना चाहिए। एक अच्छा सा मस्त गाओ ना, मस्त गाना। अरे ये मस्त गाना गाएगा। सो फनी। अपनी बकवास बंद कर। यू लायर, यू चीटर। हमने क्या बोला और तुमने क्या किया? सॉरी, वैष्णो ने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ, और ऐसे हैंडसम लड़के को छोड़ने के लिए क्या मैं पागल दिखती हूँ? इसलिए सीरियस कमिटमेंट कर दी। I will kill you! बिल्कुल छोड़ इसे, जेनिफर, तूने हम लोगों को डिच किया है। और अब आखिर में मैं सीरियसली वैष्णो को प्यार करती हूँ, अंडरस्टैंड? धोखेबाज कहीं की, यू देशद्रोही, मित्रद्रोही। तुम अगर देशद्रोही भी कहोगी आई डोंट केयर। ओके बाय। कल ही मैं अपने फैमिली से वैष्णव को मिलवाऊंगी शादी के बारे में बात करने के लिए। ओके बे 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 बे। बाय। In the holy church you are both getting together. Is it okay for you? Is it okay for you? Change your rings. जस्ट इमेजिनेशन। सपने देखना छोड़ेगी नहीं क्या तू? कभी कभी टेंशन में, सब तेरी वजह से। देख क्या कर दिया। मुझे क्या पता था कि गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, वैष्णव से मिलके जेनिफर के बारे में बता और कह दे कि ये सब तेरा प्लान था। क्या सच में? और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा लेट हो गए ना तो उन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर जाके हम उनको विश करेंगे। क्या शिट, प्लान वर्कआउट नहीं हुआ यार। वो बहुत कैजुअल बिहेव कर रही है। ये सब साइकोलॉजिकल ड्रामा वेस्ट हो गया। तू जाके डायरेक्ट प्रपोज कर दे। कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। टेल मी समथिंग। अरे मुझे एक आइडिया आया। हम 2 दिन के लिए आउटडोर प्लानिंग करते हैं। बिंदु को तुम वहाँ पर प्राइवेसी के लिए भी मूड देखकर प्रपोज कर सकता है। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। व्हाट यू से? ग्रेट, लेट्स डू इट। जरा देख कौन है। अरे जेनिफर है। अब इसका क्या करना है? इससे अब काम नहीं है। लेकिन ये तुझे नहीं छोड़ेगी। यू सी, जेनी मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। उसका यूज करके उसे छोड़ दूंगा। कमीना कहीं का, बेचारी है वो जेनिफर। बहुत अच्छी लड़की है यार। अच्छी लड़की से शादी करूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? जेनिफर जैसी हॉट लड़की को मैं कैसे जाने देता। इसीलिए मैंने पूरा प्लान कर लिया है। तू देखते जा। जेनी को मैं पब में ले जाऊंगा, उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दूंगा, फिर काम हो जाएगा। फुल एंजॉय करूंगा। जो ब्लडी विमेनाइजर अभी और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। देख 110 लड़कियां होगी। देख तू अपनी गिनती पर ब्रेक लगा। 100 पर तो तुझे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। यस, जिस्म की ये प्यास नहीं बुझने वाली है। ये तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। यस 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 यस। अरे ये अभी तक जिंदा है। अरे मरीज कभी भी मरना नहीं चाहिए और नहीं उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, तभी तो हम लोग जिएंगे। आइए आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। हाँ बताइए डॉक्टर, आपने जैसा बोला था मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तब से मुझे एक एक पल साल की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बहुत ज्यादा जी लिया मैं। इस लाइफ में तो मैं बोर हो गया हूँ डॉक्टर साहब। ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं चेंज के लिए मरना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मरना है ना तुझे, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। किसी सुसाइड पॉइंट पर चले जाओ। सुसाइड करके लोगों के बीच में बुरा नहीं बनना चाहता डॉक्टर, इसलिए मुझे मरने के लिए एक अच्छा सा ट्रीटमेंट बताइए। अब मरने के लिए ट्रीटमेंट? डॉक्टर जिंदगी देने वाला होता है, जिंदगी लेने वाला नहीं। तुम डॉक्टर का मतलब ही बदल देना चाहते हो क्या? मैंने बहुत जिंदगी जी लिया डॉक्टर, अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना है। डॉक्टर का मतलब जिससे पेशेंट खुश रहे, उनका काम यही है ना डॉक्टर। मुझे मार दीजिए। ये भी तो करेक्ट है। मेरी फीस मरने के बाद नहीं दे सकते ना? मुझे जल्दी मार दो डॉक्टर, मुझे जल्दी स्वर्गवासी कर दो डॉक्टर साहब। अपनी पूरी जायदाद आपको दे दूंगा। ये लीजिए, रख लीजिए। यू डोंट वरी, सिंपल ट्रीटमेंट बट वेरी क्रिटिकल इम्प्लीमेंट। वो क्या है डॉक्टर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार कर लो। ओह सुपर्ब। प्यार कर लो? वही तुम्हारी जान ले लेगी। क्या इस उम्र में प्यार कर सकता हूँ प्यार करने की कोई भी उम्र नहीं होती, कोई भी प्यार में पड़ सकता है। वाह, व्हाट अ जीनियस डॉक्टर, यू आर ब्रिलियंट, यू आर ग्रेट। हाँ, लोग ऐसे ही नहीं कहते कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। मैं आपके ट्रीटमेंट को फॉलो करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आता हूँ। ओह सॉरी सॉरी, मैं जाता हूँ। पागल कहीं का, इसे मेरा क्या बड़प्पन है। अरे जो बीमार रहता है उसको कुछ भी सलाह दो, वो इंसान महान ही नजर आता है। वैष्णव के पास तू भी आ, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। तो यहाँ डर रही है और जेनिफर उस पे मर रही है, इसलिए तो वैष्णव उसके साथ कमिट हो गया। हिम्मत करके बोल तो दे। हे, जेनी आ रही है। बिंदु, वैष्णव को छोड़ दो। He is too dangerous. He is cheat. He is liar. तुम उसे अपना दिल मत देना। उसके साथ रहकर मुझे सच्चाई का पता चला। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी बिंदु, बाय। ऐसा क्या हो गया बिंदु? यही बात मुझे समझ में नहीं आई। वैष्णव को फोन लगा, उसी से पता कर बात क्या है। हे बिंदु, व्हाट्स अप? बिजी हो? नो नो, इट्स ओके, टेल मी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। कांग्रेट्स। ओह, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। वो बेचारी डर गई। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल थी, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कौन है? बिंदु। बिंदु बिंदु, आउटिंग के लिए बोल, आउटिंग के लिए बोल। ओके, अच्छा वो सब छोड़ो। वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, आर यू इंटरेस्टेड? तुम ट्रिप पर चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा भी आने का मन है, पर मम्मी मना करेगी। सुनेगी तो मार डालेगी। लड़की अगर सच बोलेगी तो पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें कुछ झूठ बोलना होगा। ट्राई करूंगी। ओके बाय। मैंने बोला था ना, उल्टी सीधी हरकत करेगी तो निकाल देगा। जेनिफर के साथ भी यही हुआ। वो बहुत डेंजर है। आउटिंग जाने के लिए पूछ रहा था, जाऊँ या नहीं? तो चली जाना, वहाँ तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी। तू उसे प्रपोज भी कर सकती है। मम्मी नहीं मानेगी। हे, तू झूठ बोल के मम्मी को मना लेना प्लीज। प्लीज मैं मनाऊं? प्लीज ना। अगर मेरी बेटी हुई तो पक्का मैं तेरा नाम रखूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। हाय आंटी, जूस बना रही हैं क्या? गौतमी, एग्जाम करीब आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? आंटी पढ़ रहे हैं ना। वो तो ठीक है, पर तुम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करना, ठीक है ना? ठीक है आंटी। वो आंटी, 2 दिन बाद ना मेरी सिस्टर की शादी है वाइजैक में। मैं बिंदु को साथ लेके जाऊं? मान जाइए ना प्लीज। 2 दिन बाद? बिल्कुल नहीं। अगर ये फंक्शन में जाएगी तो अपनी पढ़ाई भूल जाएगी। प्लीज आंटी प्लीज, वहाँ जाने के बाद भी हम लोग कंबाइन स्टडी करेंगे। 2 दिन की ही तो बात है, प्लीज। ठीक है गौतमी। थैंक यू आंटी। पर एक बात है, जल्दी आना। ओके ओके। हाय हाय, ठीक है ना? बहुत अच्छी हूँ। सुपर्ब। चॉकलेट। बाय। स्वीट बेबी को जो चाहिए था वो मिल गया। हमें गंदी नजरों से मत देखो, हमारे अंदर भी कुछ पावर होता है। यही बेस्ट टाइमिंग है, अपने प्यार के बारे में बता दे बिंदु। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, अभी से प्रपोज कर दे। बोल दे बिंदु, ज्यादा कुछ भी मत सोच। अगर मिस कर दिया तो फिर से आउटिंग प्लान करनी पड़ेगी। वैष्णव, तुमसे एक बात पूछूं? या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किसी और का बोलूंगा तो मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। नो, नेवर। ना बोल दिया इसने, मुझे भी देख के नहीं बोल रहा। बिना मतलब का स्टूपिड क्वेश्चन कर दिया। छे। तुमने किसी से प्यार किया है? नहीं बोलूंगी तो मेरी तरफ से कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा? हाँ किया है। इसने तो हाँ बोल दिया, कहीं किसी और से तो प्यार नहीं करती है। मैंने भी क्या स्टूपिड सवाल कर दिया। अब बता भी दो। अरे बताओ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हिम्मत ला यार, कम ऑन। मुझसे शर्माओ मत, कम ऑन बोलो ना। हाँ बताती हूँ, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ? पर आँख क्यों बंद करना है मुझे? अगर पता लगाना है तो आंखें बंद कर लो। आई एम वेरी हैप्पी यार। वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, बिंदु के लिए सरप्राइज पार्टी। यस। देखो तो कैसे सोई है, चादर भी ठीक से ओढ़ी नहीं है। वैष्णव से बहुत प्यार करती है आंटी। बिंदु मासूम लड़की है, उसे पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मैं बिंदु से प्यार करता हूँ आंटी। शट अप। प्यार? हाँ वही प्यार। इसी प्यार ने मेरी जिंदगी की आधी खुशियां कम कर दी है। मेरे बारे में क्या बोलूं? क्या तुम मेरे दर्द को समझ पाओगे? मैं 10th क्लास के टॉप रैंकर थी। मेरी मेहनत को देखकर मैं कुछ बोलूंगी ऐसा सोचकर मेरे पेरेंट्स, टीचर सब लोग मुझ पर उम्मीद लगाए थे। उनके सपनों को चकनाचूर करके इंटरमीडिएट में मैंने एक लड़के से प्यार किया। बस उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया। सब कुछ छोड़कर उससे मैंने शादी कर ली। उसके बाद बिंदु पैदा हुई। ऐसा सोचा कि जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही है। एक दिन एक्सीडेंट में वो मर गए। और उसके बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा था। मुझे भविष्य नजर नहीं आया। मेरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। तब से मैं बिंदु को दिन रात मेहनत करके पढ़ाने के लिए, मेरी पढ़ाई उसके बराबर नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं था। छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब करके बेकार लोगों के पास काम करके फाइनेंशियल ठीक हो जाए, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बेटा। तभी मेरे समझ में आया सोसाइटी में एक औरत इंडिविजुअली किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं होनी चाहिए। भाग्य के साथ लड़कर अकेले जीना है तो पढ़ाई जरूरी है। हाँ, मर्द लोगों को क्या है, पढ़ाई नहीं है तो भी जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन बेटी पढ़ेगी तभी उसकी इज्जत होगी, सम्मान मिलेगा। इसीलिए बिंदु को पढ़ाई पसंद नहीं है, फिर भी मेहनत करके उधार लेकर पढ़ा रही हूँ ताकि मेरी तरह जिंदगी ना हो। अगर तुम ऐसे प्यार करोगे तो पढ़ाई कैसे करेगी? मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करती है, मेरे से तुम छोटे हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, प्लीज बिंदु को भूल जाओ बेटा, प्लीज। Customer you're calling is busy at the moment. Please call back in some time. मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? तुमसे प्यार करके गलती कर दी क्या? प्लीज बताओ। मैं कितना टॉर्चर सह रही हूँ ये बात पता है तुम्हें? नींद भी नहीं आती है मुझे। प्लीज बोलो, क्या गलती की है मैंने? मैं प्यार नहीं करता। तुम मेरे लिए बस एक दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। जिंदगी में हमें सच सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। तुम एक एवरेज फैमिली से आती हो, तुमसे मैंने दोस्ती क्या कर ली। तुमने तो बहुत कुछ समझ लिया बिंदु। सच यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। नहीं। Enough. Get lost. लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या करूँ बोलो, बताओ ना मुझे। I love you. I love you. Vaishno. I love you. I love you. I love you. बिंदु, ये श्वेता जी है, ये आज से तुम्हें ट्यूशन देंगी। हेलो, कैसी हो बिंदु? हेलो बिंदु, वैष्णो यूएसए जा रहा है। वैष्णो कम से कम मेरे 20,000 के लिए बिंदु से शादी कर लिया होता तो अच्छा रहता ना। देखो बिंदु, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कब तक इस तरह से दुखी रहोगी? तुमने जिसे चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, तुम इतने दर्द में हो। और तुम्हारी माँ तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर अपने सपने पूरा करना चाहती थी। वो जैसा चाह रही है तुम वैसा बिल्कुल नहीं कर रही हो। वो भी तो बहुत दुखी है ना। तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी मम्मी का दर्द उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है। वो बहुत स्मार्ट है, तुम्हारे साथ टाइम पास करके घुमा फिरा कर बोर हो गया और अपना फ्यूचर बनाने चला गया। और तुम्हें पढ़ाई नहीं आती ये बोलकर तुम्हारी इंसल्ट की। और ऐसे इंसान के लिए तुम दुखी हो रही हो बिंदु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो पार्ट टाइम जॉब करके मेहनत करके पढ़ सकते हैं। जब मौका मिल रहा है तो तुम उसकी वैल्यू को समझो और मेहनत करो। जिंदगी भर दुखी रहने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी मम्मी कैसे खुश रहे इसके लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद समझ आएगा। हमें पसंद नहीं, फिर भी हमें अगर अपनों के लिए हम वैसे रहें जिससे उन्हें दर्द महसूस हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बदलना होगा, सोचो तुम। ठीक है ना। मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। वो सच्चाई की खुशी थी। उस खुशी के अंदर बहुत ताकत थी, जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। और ऐसी खुशी बस एक माँ बाप को ही मिल सकती है। बिंदु को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया और एक अच्छा रिश्ता भी आया है। लड़के वाले कल मिलने आ रहे हैं, ठीक है? सरिता, तुम जाकर कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो और आप जाकर बिंदु को जल्दी से तैयार होने के लिए बोलो। कुछ याद आया? श्वेता मैम को फोन किया था क्या? पहुंच रहे ना? मैंने फोन किया मम्मी, कनेक्ट नहीं हो रहा। आज ये हम लोग इतना खुश है ना, उन्हीं की वजह से। हेलो श्वेता, कहाँ हो तुम? आंटी मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ओके जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, तुम लोग इसे जल्दी से तैयार करके लेके आओ। ओके आंटी। ये जैसी भी दिखती है बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, आते ही होंगे। नमस्कार जी। हाँ? मैं वैष्णो का पिता हूं। यह भी यूएस से आया है बिंदु को देखने के लिए। वैष्णो बिंदु को बहुत पसंद करता है। अगर आप लोग मान जाएं, तो हम दोनों की शादी कर देंगे। बिंदु को देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे और ऐसे वक्त में आप लोग आकर बात करेंगे तो मैं क्या रिएक्ट करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बिंदु वैष्णो को भूल चुकी है। इन दोनों ने प्यार किया है, वो क्या किए हैं ये भूल सकते हैं लेकिन एक दूसरे के प्यार को नहीं भूल सकते। एक बार आप बिंदु से बात करके तो देखिए। उसकी जरूरत नहीं सर, इसके लिए मेरी मम्मी मान भी जाए लेकिन मैं नहीं मानूंगी। एक वक्त था जब मैं आपकी बेटी से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसके जायदाद और ओहदे, उसके बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ उससे प्यार किया। लेकिन वैष्णव, मुझे पढ़ाई नहीं आती, प्यार करने की औकात नहीं है बोलकर मुझे रिजेक्ट करके चला गया। अब मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब कर रही हूँ, अब मेरी हैसियत है। मतलब आप पैसे वालों को प्यार करने के साथ साथ और सब कुछ चाहिए होता है ना। सोसाइटी में बोलने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है क्या? मेरे व्यक्तित्व को देखकर प्यार करने वाला सोचा था, किताब से प्यार करने वाला नहीं। आप जा सकते हैं। बिंदु, तुम जिस तरह से बात कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। ये जो तुम इंजीनियर बन गई हो, अच्छी जॉब कर रही हो, आप सब लोग इतने खुश हैं, इसकी वजह सिर्फ वैष्णव है। यस आंटी, उस दिन वैष्णव को जब आपने अपने बारे में सब बताया तो बिंदु से मिलने के बाद वैष्णव मेरे पास आया। उसने जो कहा वो शायद सच हो। तुम अमीर हो, हैंडसम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स श्वेता, हम अपनी जिंदगी से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं। उन एक्सपीरियंस के बेस पे हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं और इस वक्त बिंदु के लिए प्यार करना सही नहीं होगा। और इन सारी बातों को बिंदु इस वक्त समझेगी नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि बिंदु पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई हो जाने के बाद मैं उसे कन्विंस कर सकता हूँ। बिंदु पागल है, मैं रहूंगा तो पढ़ेगी नहीं। तुम कैसे करोगी मैं नहीं जानता और उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं एमएस की पढ़ाई करने बाहर जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग में उसके अच्छे ग्रेड आने चाहिए ताकि उसकी फैमिली खुश हो जाए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। वैष्णो मेरा कजन है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। पढ़ाई की उम्र में प्यार करना गलत है आंटी, लेकिन प्यार करना भी तो गलत नहीं है ना आंटी। बिंदु के लिए शादी का रिश्ता आने वाला है, ऐसा मैंने वैष्णो को इन्फॉर्म किया, इसलिए वो तुरंत आ गया। आपको बिना बताए हम लोग आ गए, माफी चाहते हैं। वैष्णो के बारे में क्या बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदु हमारी किस्मत वाली है, बस है। वैष्णव, दुल्हन को तो देख लो। मैं बिंदु को पसंद नहीं करता। हाँ? बल्कि बहुत प्यार करता हूं। चलो मेरे तो 20,000 बच गए। क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया है? विश्वास नहीं हो रहा। मेरे लिए एक बार बोलो ना प्लीज। तो अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? ओके ओके। आई लव यू। मैंने जो भेजा था तुमने वापस भेज दिया था। ये कहाँ से आई? वो नकली था और जो ओरिजिनल है उसे अपनी यादों में बसा लिया है।